रुक जा, मैं मदद करता हूँ। हाँ, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जाके गुप्पो के हीरा। वास्तुकार ये बात अच्छे से जानता था कि जहाँ हीरे होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी ट्रैवल नहीं करती, और इसलिए जो जो लोग तेरा सवाल यहाँ क्यों खड़े हम लोग, तो जो जो लोग इस पे खड़े थे वो बिजली के प्रकोप से बच गए। जितनी बार भी बिजली उत्पन्न हुई लेकिन यहाँ खड़े होने वाले को कुछ नहीं हुआ। जी चल रख दे ऐसे नीचे, अब ये राज हतो मही का मनी मंदिर को। मही का मनी मंदिर का नहीं, मही का मणि मंदिर का। मही का मतलब धरती, पृथ्वी, और मणि मतलब ये हीरे। मही का मणि, इसका ये मतलब था कि किसी को इन सारी बातों का पता था, हीरो के बारे में, बिजली के बारे में, और कोई तो है जो इस डायमंड्स को चुराने की फिराक में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चुराने वाले ने एक ही डायमंड क्यों चुराया, सारे डायमंड्स क्यों नहीं चुराए, और कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा, लेकिन फिलहाल वो जो कोई भी है मुझसे ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। मैं उसे जरूर पकड़ूंगा, और शायद आज रात को ही। तो बता दो सर जी, कौन को इंतजार कर रहे हो? उसी का जो एक हीरा चुरा चुका और बाकी के हीरे चुराने आता ही होगा। और जी आप कैसे कह सको? एक उड़ती चिड़िया मेरे कान में आके बता गई। तो उस उड़ती चिड़िया ने ये भी बताया होगा ना कि कौन आने वाला है? बिल्कुल। कौन आने वाला है? वो आ रहा है। की चमक के आगे किस्मत की चमक फीकी पड़ गई, बात बनते बनते रह गई, और अब जेल की काल कोठरी की काली काली दीवारों की चमक के बीच बैठकर अपनी किस्मत को रोना और सोचना कि पाला पड़ा तो किससे पड़ा, इंस्पेक्टर आदित्य देव से। चलो पलटो। की भैंस कामी, कहानी बड़ी साधारण सी है सर। कामनी को मही का मणि मंदिर में रिसर्च करते करते ये पता चला कि मंदिर के अंदर कुछ खजाना छुपा हुआ है, और जैसे ही पता चला वैसे ही मन में लड्डू फूटा और वो सीधा पहुंच गई गांव। लेकिन फूल कुमारी को कामनी पे शक हो गया और इसलिए उसने कामनी को वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन कामनी के मन में अभी भी मंदिर में छुपे खजाने को पाने का जुनून बरकरार था, इसलिए कामनी दोबारा गांव पहुंची पूरी तैयारी के साथ, अपने दोनों साथी वरुण और रॉकी के साथ मही का मणि मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए, और फिर जाके रोकी गंगा लाल के घर। और इसीलिए फूल कुमारी गंगा लाल और देविका पे नाराज भी हुई कि आपने कामनी को अपने घर में रहने की जगह क्यों दे दी। राइट फूल कुमारी? राइट। और इसीलिए उस रात मैंने गंगालाल को मिलने के लिए बुलाया ताकि जल्द से जल्द वो कामनी और उसके दोस्तों को अपने घर से निकाले। लेकिन उस स्टूपिड देविका को लगा कि मेरा और गंगालाल का अफेयर चल रहा है। मतलब इसे जानबूझ के अपने साथियों को मरवाया? यस सर।
काय को? दरअसल कामनी साइंटिस्ट हक्का की तरह निर्मल श्रीवास्तव, हाँ मतलब सॉरी निर्मल श्रीवास्तव की तरह यही चाहती थी कि उसके दोनों साथी मर जाएं और इनको भी मेंटल करार दे दिया जाए, जिसका फायदा उठाकर ये मंदिर में कभी भी अंदर बाहर आ जा सके और धीरे धीरे कर खजाने का पता लगा सके। मतलब ये जानती थी कि मंदिर पर कोई श्राप नहीं है और आकाश से कोई बिजली नहीं बल्कि जमीन से बिजली निकलती है। नहीं 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 नहीं, इनको ये नहीं पता था कि बिजली आसमान से निकलती है या जमीन से, लेकिन एक बात का पता जरूर था कि बिजली कहां नहीं गिरती, और उसी जगह पर इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। इन्हें ये तो पता ही था कि इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी वहां तक नहीं पहुंचती जहां डायमंड होते हैं, और फिर इनकी रिसर्च में उस जमाने के गायब हुए हुए करोड़ों अरबों के हीरो और खजाने के बारे में इनको पता चला, यानी उसका जिक्र था। और अब इनके लिए जानना ये बहुत मुश्किल काम नहीं था कि वो खजाना उस प्राचीन आसन में ही छुपा हुआ है। पर दो दिन की लगातार कोशिश के बाद भी इन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, खजाने का पता ही नहीं चला। फिर इनको लगा कि फूल कुमारी और उनका परिवार जो सालों से मंदिर की रक्षा कर रहा है, इनके घर से कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जो मुझे मंदिर के खजाने तक पहुंचाएगा, और इसलिए वो आपके घर यानी फूल कुमारी के घर पहुंची। लगे वो नायाब दस्तावेज जिसमें मंदिर के खजाने का हर राज छुपा हुआ था। तो इसने हाका के हॉस्पिटल वाली पट्टी मेरे घर पे क्यों छोड़ी? जाहिर सी बात है, पुलिस का ध्यान हाका की ओर डाइवर्ट करने के लिए, और क्या। बहरहाल दस्तावेज इनके हाथ लग गए और इन्हें अब कंफर्म पता चल गया कि वो सारा का सारा खजाना कहां छुपा हुआ है। अब पता चल गया था तो उसने एक ही हीरा क्यों हटाया, बाकी का पूरा माल क्यों नहीं समेटा भाई? समेटना तो पूरा का पूरा माल चाहती थी सर, लेकिन ये भूल गई कि मंदिर में बहुत सारे सांप मौजूद थे जो इसी काम के लिए ट्रेन किए गए थे कि अगर कोई खजाने की ओर नजर भी डाले या उसे चुराने की कोशिश करे तो वो सांप उसे डस ले, जैसा उस दिन भी हुआ था। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सर, इसे सांपों ने घेर लिया था और इसीलिए सिर्फ एक ही हीरा चुरा के ये वहां से भाग पाई। ओ, तो ये हीरा चुरा कर भाग रही थी जब मंदिर के बाहर मुझसे टकराई, और उसी समय हमें इनका वो बैग मिल गया जिसमें चुराया हुआ हीरा भी था, और हीरा पहुंचा मेरे तक, पीछे पीछे सांप, सांप ने मुझे काट के हीरा बचाया और मुझे पहुंचाया मौत के मुंह तक। वो तक्षक सांप है सर, बरसों से खजाने की सुरक्षा करते आया है, उस दिन भी उसने वही किया, खजाने से चुराए हुए हीरे की सुरक्षा। इंस्पेक्टर आदित्य, वैसे आपको कैसे पता चला कि कामिनी कल रात हीरे चुराने मंदिर जरूर आएगी? वक्त कहाँ था इनके पास? जैसे ही हीरा बरामद हुआ इनको ये डर था कि या तो इनकी असलियत के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा या फिर मंदिर के खजाने के बारे में, और इसलिए इनको जो कुछ भी करना था वो जल्दी में करना था, और इसलिए इनका कल रात को मंदिर आना कंफर्म था। मेरे यस सर, इलाज घंटा पकरी कु हां, इस कामिनी को ले जाओ अंदर। चले चल चल चल। वेल डन आदि सर, मैंने आपसे कहा था ना ये शराब पर आप कुछ नहीं होते।
हर चीज के पीछे ना एक साइंटिफिक रीजन होता है। और देखिए 800 साल से चल रहे शराब के पीछे भी क्या कमाल का साइंटिफिक रीजन निकला सर। नहीं 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 अरे मेरे को नहीं लगता है कि हर चीज के पीछे कोई साइंटिफिक कारण होता है। देखो अभी तू काबिल ऑफिसर है, होशियार है, जिम्मेदार है, तो उसके पीछे कौन सा साइंस है रे? गॉड गिफ्ट, इसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट। कैसा? तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक तोहफा है यार, गिफ्ट है। बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था, फर्ज निभा रहा था, यही बोलने वाला था ना। अरे गिफ्ट कभी बोलता है कि मैं गिफ्ट हूँ। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में तुझ जैसा बेटा मुझे पैदा हो, बस जो होगा देखा जाएगा। अरे जन्म में भी तो मैं आपके बेटा समान हूँ, आप मेरे बेटा समान है। ऐसे जमीन पर रहना, बहुत जल्द ऊपर जाएगा तू। सर ऊपर मतलब लाइफ में बहुत ऊपर जाएगा। हजारों कहाँ ऊपर? ये कैबिन तेरे को ऊपर दिखता है क्या? सर एक्चुअली केस सॉल्व हो गया ना, तो मुझे अंदर से जोक जोक बाहर आ रहा था। आने दे मेरे को जाने दे। हम भी चलते। थैंक यू इंस्पेक्टर आदित्य। अरे नहीं नहीं थैंक यू क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अरे हाँ चंदू सालवी सर को हिफाजत के साथ घर छोड़ के गाड़ी में। नहीं सर प्लीज गाड़ी में जाइए, आप साइंटिस्ट हैं, कमाल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल। हाँ यही ना मैडम कि हम शादीशुदा हैं या नहीं? अरे हम अब तक कुंवारे हैं मैडम। और छुआरे भी एकदम सूखे। आप पूछिए ना। कल रात को कामनी को सांपों ने घेरा था, लेकिन वो पहले की तरह घबराई नहीं। इनफैक्ट उसने सांपों को उसी तरह कंट्रोल किया जिस तरह मैं करती थी। हाउ, कैसे? देखिए इसका तो एक ही जवाब मुमकिन है कि जब कामनी ने उन दस्तावेजों को पढ़ा होगा तो एक सरसर रूप में सब कुछ याद कर लिया होगा, लेकिन जब वो पहली बार मंदिर में आई तो उसका सारा का सारा ध्यान हीरे पे था, इसलिए वो सांपों को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन जब वो अगली बार मंदिर में आई यानी कि कल रात को, तब वो उन्हीं दस्तावेजों को दोबारा पढ़ के याद करके अच्छे से पक्का करके आई होगी, और इसी वजह से वो सांपों को कंट्रोल कर पाई। पर एक बात अभी तक समझ में ना आई प्रभु, हमने ये सुनी है कि सांपों के तो कान ही ना हो में, पर सारे सांप इनकी सीटियां कैसे सुन सके? बढ़िया जी, शक्ल तेरे चिलगोजे जैसी लेकिन दिमाग तेरा अखरोट जैसा, क्या सवाल पूछा है तूने? फुलकुमारी जी जरा इन्हें बताइए कि सांप आपकी आवाज कैसे सुन सकते हैं। बिल्कुल। अरे भैया यही आराम से क्या क्या दिमाग से पैदल आदमी? अरे सांप सुन नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं, वो भी पेट से, धरती की धमक से। यहां देखे इनके पैरों की ओर। हाँ सुन नहीं सकते, और यही फूलकुमारी ने जो यहां किया वही कामनी ने मंदिर में किया था। चल अब नीचे आ जा। सर यहाँ तो ऊपर जाने की जगह ना है और नीचे हम आएंगे नहीं, हम यही ठीक है। नीचे आ जा, जब तक ये आदेश नहीं देंगे ना सांप आप कुछ नहीं करेंगे, तेरा कोई नहीं डसेगा तुझे, आजा नीचे आजा। सर नहीं हम नीचे ना आ रहे सर, हम यहाँ पे एकदम मजे में हैं, बिल्कुल स्वर्ग जैसी फीलिंग है रही, जन्नत जैसी सर। दो चार दिन छुट्टी मना करके आएंगे, अभी ना आ रहे। फुलकुमार जी क्या आप मेरे लिए काम कर सकती हैं? एक सांप को DIG के पास ऊपर भेज सकती है? अरे बारे बारे मामू। हाँ इधर है मामू, इधर इधर मामू इधर। अरे इधर तो देखो मामू, इधर। अरे हाँ कैसे तुम? हाँ क्या हो गया आपको? आप तो शनु जी के साथ गए थे ना, आज रपट जाए तो रोमांटिक डुएट गाना गाने, ये गर्दन को क्या हो गया, मुड़ कैसे गई? अरे शनु जैसी मस्त रापचुक को देख के सबकी गर्दन मुड़ जाती है ना। हाँ लेकिन इतनी? अरे ये गर्दन तो गड्ढे की वजह से मुड़ गई भाई। शनु को बाइक पे घुमाने के बाद उसको होम डिलीवरी करने के लिए उसके मोहल्ले पहुंचा ना, तो ये DGP पहुंच गया वहां पे, टपक गया उधर। अबे रुक।
नहीं सर, वहाँ पे क्या कर रहे थे? अपने वोटर कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने पहुँच गया था उधर। मतलब? अरे भाई, ये छन्नू के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा ताड़ू है, झाड़ू से मारना चाहिए उसको। आपकी गर्दन क्यों टेढ़ी हो गई? खड्डे की वजह से। अरे लेकिन खड्डे में तो नीचे भी सर गिर गए थे ना। अरे भाई, ऊपर वाले ने एक ही गर्दन बनाया ना, नीचे वालों ने इतने खड्डे बनाए, आगे बहुत बड़ा खड्डा था। मैं मोटरसाइकिल के साथ खड्डे के अंदर डुबा, मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ मेरी मुंडी ट्रक। ये सो सैड मामू। रुको रुको भैया, रुको। अरे अरे माटी के लाल, जरा अपना आईडी कार्ड निकाल। अबे नौकरी से निकाल दूंगा, मुझे पहचाना नहीं। देखो भैया, ये पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ पे बिना आईडी के एंट्री संभव ना है। निकालो। जय हिंद सर, सलाम सर, नमस्ते सर, सॉरी सर, थैंक यू सर। क्या 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 हुआ सर, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? गड्ढे में गिर गए होंगे। इसको कैसे पता? ये बात तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि कीचड़ तो गड्ढों में होता है ना सर, ऐसे शॉपिंग मॉल में थोड़ी कीचड़ मिलेगा। तो क्या हुआ सर, आपकी ये हालत ऐसे कैसे हो गई? एग्जैक्टली क्या हुआ? अरे वो मैं एक चोर का पीछा कर रहा था। और चोर बाइक पर आया होगा, कंफर्म। ये कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि आजकल वो सर सुनिए ना मेरी बात, आजकल वो बाइक टाइप के चोर होते हैं ना, बहुत धूम मचा रहे हैं सर। मुझे पता है क्या हुआ होगा, वो बाइक पे होगा, आप पैदल उसका पीछा कर रहे होंगे, इसीलिए वो आपके चंगुल से छूट गया होगा, वरना तो ऐसे हो ही नहीं सकता। वैसे वो चोर क्या चुरा कर भाग गया? उसने मेरी बहुत कीमती चीज चुराई। ओहो। एक ऐसी चीज जिस पर मेरा हक है, साडा हक है थे रख, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले पकड़ तो लो सर, आपने उसका चेहरा भी नहीं देखा होगा, हेलमेट पहना होगा वो। तुमको कैसे पता कि उसने हेलमेट पहना था? ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। हाँ वो भले ही चोर हो, लेकिन ट्रैफिक रूल तो वो भी फॉलो कर रहा होगा ना, है कि नहीं? हाँ। भले उसका चेहरा मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसकी बाइक का नंबर मैंने अपने दिमाग में नोट कर लिया। क्या नंबर था? उसका नंबर था 7। उसके उसके बाद क्या? उसके आगे के 3 नंबर मुझे याद नहीं रहे। आएंगे आएंगे, याद आएंगे, सोचिए। आएंगे आएंगे, मगर जिस दिन मुझे उसके आगे के 3 नंबर याद आ गए, हाँ, वो दिन उस चोर का इस धरती पर आखिरी दिन होगा। हा, हा, हा। आप तो गए मामू। अरे लोली लोली, मुझे बोलने का एक मौका दो, ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए ना लोलिता। देखो तुम हमेशा ऐसा गुस्सा करती हो, ये बराबर बात नहीं है बाबा। श्रीमान जी, एक मिनट बोलिए, क्या मेरी कंप्लेंट लिखाने के लिए आपके पास वक्त है? देखिए भाई साहब, मैं कंप्लेंट ही सुन रहा हूँ अपनी बीवी की, वो भी चिल्ला चिल्ला के बता रही है। आप एक काम कीजिए, वहां पर वो जो जो वो इंस्पेक्टर बैठे हुए ना मानव सर, उनसे जाके बात कीजिए, वो अच्छे से कंप्लेन लिखते हैं, ठीक है? जाइए जाइए। हाँ ललिता, क्या कमाल का डोसा लेकर आए थोड़ी आई जी। अच्छा है ना? मेरे लिए, तेरे लिए नहीं है। अरे आइए आइए अंकल जी, अंकल जी, एक गरम गरम बर्गर के बाद एक गरम गरम पिज्जा खाइए, और गरम गरम पिज्जा के बाद गरम गरम मसाला डोसा खाइए, इसका जो मजा है ना, वाह, लाइफ सेट है। श्रीमान जी, क्या आप मेरी FIR लिखेंगे? अंकल जी, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, एक काम कीजिए, वो बॉस है ना वहाँ पर, वो लिख लेगा FIR। बॉस, FIR लिखना यार जरा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जरा फोन काटना। सर फोन नहीं काट सकता, बीवी का फोन है सर, अगर फोन काट दिया ना तो वो मुझे काट डालेगी। अरे यार अंकल जी, तो आप एक काम करो, आप थोड़ी देर ना रुक जाओ, इंतजार कर लो, क्या है कि मैं आपकी FIR लिखने लगा ना, डोसा ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडे डोसे में मजा नहीं आता अंकल, वो तो आपको पता ही, आपने डोसा तो खाया ही होगा, आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना? अरे आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेंट लिखानी है, मुझे मारने की कोशिश हुई है। अटेम्प्ट टू मर्डर,
किसने मारने की कोशिश की आपको अंकल? श्रीमान तांबे जी ने। बुड़ी बाबा। सर तांबे जी अटेम्प्ट टू मर्डर? अंकल जी मेरे डोसे से ज्यादा मसाला तो आपकी बातों में है। मतलब तांबे जी ने अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे क्या? अरे उन्होंने जो रास्ते बनाए हैं ना उस रास्ते में गड्ढे हो गए हैं। चलते चलते उस गड्ढे में मैं गिर गया, मेरी टांग में चोट आ गई। अगर मैं सर के बल गिरता तो मेरी जान जा सकती थी। तो हुआ ना अटेम्प्ट टू मर्डर।